टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जो पिछले एक हफ्ते में हुई हैं उनके बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं अगले कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर, देखते रहिए। पिछले कुछ महीनों में हमने WhatsApp के बहुत सारे नए फीचर्स आते देखे हैं और पिछले एक हफ्ते में न्यूज़ आई है कि WhatsApp का एक और फीचर आने वाला है जिससे आप अपनी वॉइस और वीडियो कॉल्स के बीच में सीमलेसली स्विच कर पाओगे बिना कॉल डिस्कनेक्ट किए। इस समय पे जब आपको वीडियो और वॉइस कॉल के बीच में ऑल्टरनेट करना पड़ता है तो आपको एक कॉल काटनी पड़ती है दूसरी रिसीव करने के लिए। इस फीचर के आने के बाद ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, सीमलेसली स्विच होगा। एयरटेल और कार्बन की पार्टनरशिप बनी रहेगी क्योंकि इसी हफ्ते अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि कार्बन का A1 इंडियन और A41 पावर ये दोनों फोन्स लॉन्च होने वाले हैं एयरटेल की पार्टनरशिप के साथ। इफेक्टिवली इनका प्राइस होगा 1800 और 1850 रुपये। ये दोनों 4G स्मार्टफोन्स होने वाले हैं और एयरटेल का जो इनिशिएटिव है मेरा पहला 4G स्मार्टफोन, उस इनिशिएटिव के ही तहत ये दोनों फोन्स भी आए। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स टेक की दुनिया में एप्पल के खिलाफ आ रही हैं बिकॉज अब ये भी पता लगा है कि जो आईफोन 10 है उसकी जो स्क्रीन है वो रेगुलर बेसिस पे अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है। मतलब अगर आप उस पर किसी आइकन या बटन को प्रेस भी कर रहे हैं तो वो इनएक्टिव हो चुका है उस समय के लिए। एप्पल ने अपने iOS में 11.1.2 वर्जन निकाल दिया है ताकि कि ये जो अनरिस्पॉन्सिव स्क्रीन है आईफोन 10 पे उसको टैकल किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक और अपडेट निकाला है। अपने सिम कार्ड्स को आधार कार्ड्स के साथ लिंक अप करना है और अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि December 1st 2017 के बाद आपके पास ऑप्शन होगा ये काम घर बैठे बैठे करने का। इसमें आपको सिंपली अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाना होगा या फ़ोन की हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा और अपना एक वन टाइम पासवर्ड इशू करवाना होगा। वो वन टाइम पासवर्ड आपको मदद करेगा अपना सिम आधार कार्ड से लिंक अप कराने का और ये दोनों ही मेथड्स जो हैं UIDAI के हिसाब से है एंड बोथ दीज मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड। कुछ ही समय पहले WhatsApp ने लॉन्च किया था डिलीट फॉर एवरीवन फीचर और आई एम श्योर इस वक्त तक लगभग सब ने ये फीचर का इस्तेमाल किया होगा। पर अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक बार कोई मैसेज डिलीट हो चुका हो आपके और रेसिपिएंट के WhatsApp अकाउंट से, उसके बाद भी जो रेसिपिएंट है उस मैसेज को पढ़ सकता है। एक थर्ड पार्टी ऐप है जो केवल एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता है, इसका नाम है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करें तो नोटिफिकेशंस में अगर आपका मैसेज डिलीट हो भी चुका है उसके बाद भी नोटिफिकेशंस हिस्ट्री में उस मैसेज का जो मेंशन है वो फिर भी रहता है एंड दैट इज़ हाउ यू कैन रीट्रेस अ मैसेज विच हैज़ बीन डिलीटेड बिफोर यू इवन रेड इट। अगर आप अपने फ़ोन के फेसबुक अकाउंट पे सबसे पहले देखना चाह रहे हो टेक तक के वीडियोस तो वेरी सिंपली अपने फ़ोन में फेसबुक के आइकन को टच करो, वहाँ से आप सर्च बार पे जाके टेक तक सर्च करो फेसबुक पे। फेसबुक पे हमारा टेक तक का पेज खुलेगा, उस पे आप फॉलो के आइकन पे प्रेस करो एंड प्रेस ऑन सी इट फर्स्ट एंड यू विल सी आवर वीडियोस बिफोर एनीवन एल्स। तो ये थी पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें टेक की दुनिया में। बने रहिए हमारे साथ बिकॉज टेक तक में हम आपको हर चीज़ बताने वाले हैं जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया में टेक की दुनिया में।